कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। इसी कहावत को सच किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जब उसने बहुत थोड़े से समय में ही लगभग पूरे यूरोप में अपना दबदबा कायम कर लिया था। फ्रांस में सालों तक राज करने वाला बोनापार्ट सिर्फ एक बैटलफील्ड जीनियस ही नहीं, बल्कि वो एक पेंटर, राइटर और जनता का प्यारा शासक भी था। इन्होंने ये साबित कर दिया था कि जंग सिर्फ कद काठी से ही नहीं बल्कि अक्ल से भी जीती जाती है। फ्रांस जैसे छोटे से देश को नेपोलियन ने सिर्फ अपनी बेहतरीन रणनीति से उस वक्त का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर बना दिया था। जिस ब्रिटिश एम्पायर ने हम पर 200 सालों तक राज किया, उन्हीं ब्रिटिशर्स पर नेपोलियन अकेले ही भारी पड़े थे। एक तरफ बोनापार्ट हर जंग जीत रहे थे और फ्रांस को समृद्ध बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ उन्हें खोखला कर रही थी। कार्लो बोनापार्ट और मारिया लेटिजिया रेमोलिनो के दूसरे बेटे नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में कॉर्सिका आइलैंड पर हुआ था। इनके बचपन का नाम नेबुलियो था और ये कुल 8 भाई बहन थे। बोनापार्ट के फादर कार्लो एक लॉयर और रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने कॉर्सिका की आजादी के लिए फ्रांस के अगेंस्ट चल रहे लड़ाई में साथ दिया था। बट फ्रांस के इन्वेजन के बाद ये लुईस 16 के दरबार में कॉर्सिका के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल हो गए। कार्लो को कॉर्सिकन नेशनलिस्ट और रेवोल्यूशनरीज ट्रेटर मानते थे, क्योंकि उन्होंने एक समय पर साथ देने के बजाय फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू कर दिया था। एक तरफ कॉर्सिका के लोग बोनापार्ट को ट्रेटर समझते थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस के लोग बोनापार्ट को हमेशा बाहर वाला समझते रहे। बचपन से बोनापार्ट के मन में ये बात थी कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, उन्हें फ्रांस को पावरफुल बनाना है और खुद को साबित करना है, जिससे कि पूरा फ्रांस उन्हें अपना बना ले। 9 साल की उम्र में इन्हें ऑटन के एक रिलीजियस स्कूल में भेज दिया गया, लेकिन यहाँ इनकी मुश्किलें बढ़ने लगी थी। अपने कदकाठी और फ्रेंच लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं बोल पाने की वजह से इन्हें स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा बुली किया करते थे। सारे बच्चे इन्हें आउटसाइडर बोलकर चढ़ाते थे और इनके रहन सहन पर भी ताने मारते थे। नेपोलियन इन बातों से काफी दुखी रहता था और हमेशा फ्रेंच सोसाइटी में मैच करने के लिए एफर्ट्स डालता रहता था। फिर भी नेपोलियन ने किसी तरह अपना स्कूल पूरा किया और इसके बाद मिलिट्री ज्वाइन करने के बारे में सोचा, जिसके बाद 1785 में नेपोलियन ब्रियन के मिलिट्री कॉलेज में गए, जहां इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली और फिर पेरिस के मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की, जहां इन्हें आर्टिलरीज को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई। पर इस बीच इनके फादर की डेथ हो गई। अब एक तरफ फैमिली को सपोर्ट करना था और दूसरी तरफ अपने सपनों को पूरा करने की जिद थी, पर यहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीत गई और काफी कम उम्र में उन्होंने फ्रेंच आर्मी में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया। ऐसे में नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया और जल्दी ही फ्रांस की नई गवर्नमेंट के अंडर फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई, वैसे ही बाकी के यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस पर हमला करने लगी। इसके साथ ही फ्रांस में भी छोटे छोटे ग्रुप्स भी अशांति फैलाने लगे। ऐसे में नेपोलियन ने सिविल अनरेस्ट को सप्रेस किया और फ्रांस में शांति कायम की। इसी दौरान 1794 में नेपोलियन बोनापार्टे को फ्रांस की गवर्नमेंट ने वॉर ऑफ टोलोन में भेज दिया, जहां की जनता फ्रेंच सरकार के बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी। इस वक्त नेपोलियन अपनी आर्टिलरी के कैप्टन थे और इस रिवोल्ट को उन्होंने अपने लिए एक मौके के तौर पर देखा। इस लड़ाई को नेपोलियन ने बड़ी ही बहादुरी और अक्लमंदी के साथ जीत लिया। इस जीत के बाद पूरे फ्रांस में बोनापार्टे का ही बोलबाला था। ठीक एक साल बाद 1795 में नेपोलियन को पर्शिया भेज दिया गया और पर्शिया की सिविल वॉर में इन्होंने हीरोइक काम किया और इसके बाद यूरोप के दूसरे देशों में भी नेपोलियन का बोलबाला हो गया। 1792 से लेकर 1797 तक फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ द वॉर ऑफ द फर्स्ट कोअलिशन में उलझा था। इस वॉर में नेपोलियन को भी लीड करने का मौका मिला, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि नेपोलियन को जो आर्मी ट्रूप्स मिले थे वो कमजोर और डिमोटिवेटेड थे। ऐसे में उनके साथ युद्ध लड़ना मौत को बुलावा देना था, लेकिन नेपोलियन ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपने ट्रूप्स को इकट्ठा किया और उनके साथ घंटों बातें की। वो अपने ट्रूप्स के साथ ही खाता पीता और उनके साथ सोता और उठता। वो कई बार बहुत ही जोश भरा भाषण देता और अपने ट्रूप्स को एनकरेज करता। नेपोलियन के ऐसे सपोर्टिंग नेचर की वजह से उसकी पूरी सेना
नेपोलियन के लिए लॉयल हो गई। वो नेपोलियन के लिए जान देने को भी तैयार थी। ऐसे में नेपोलियन और उसकी आर्मी ने गजब का युद्ध किया और इटली को खदेड़ दिया। इस युद्ध को जीतकर जब नेपोलियन वापस आया तो उसका फ्रांस में भव्य स्वागत हुआ। वो अब फ्रांस का हीरो बन चुका था। पूरी जनता अब नेपोलियन के हाथों में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। इस वॉर के बाद ही नेपोलियन अपने मेंटर और डिफैक्टो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस पॉल बैरस के यहाँ एक पार्टी में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जोसेफीन था। इन दिनों पॉल जोसेफीन को डेट कर रहा था, लेकिन नेपोलियन जोसेफीन को देखते ही अपना दिल हार बैठा। कुछ वक्त बाद उसने जोसेफीन को प्रपोज कर दिया। इस वक्त नेपोलियन की उम्र 26 साल थी और जोसेफीन की उम्र 32 साल थी, लेकिन फिर भी नेपोलियन ने सारी बातों को किनारे करते हुए 1796 में अपनी शादी रचा ली। अब जोसेफीन फ्रांस के उभरते हीरो की वाइफ थी। अभी भी फ्रांस फर्स्ट कोअलिशन की वॉर में इन्वॉल्व था, जिसमें नेपोलियन इटली को जीत लेता है और वहां की जनता के बीच जाकर उन्हें ये भरोसा दिलाता है कि वो उनको क्रूएल मोनार्की से छुटकारा दिलाएगा। इस बात पर नेपोलियन और इसकी आर्मी का इटली में खूब स्वागत होता है। इस जीत के बाद नेपोलियन को फ्रेंच आर्मी का कमांड सौंप दिया जाता है और अब नेपोलियन फ्रेंच आर्मी को लीड करने लगता है। किसी ने नहीं सोचा था कि फ्रेंच आर्मी का एक साधारण सा सोल्जर फ्रेंच आर्मी का हेड बन जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। नेपोलियन के सपने तो इससे कहीं ज्यादा बड़े थे। उसे पूरा यूरोप जीतना था और फ्रांस को यूरोप का सबसे बड़ा और ताकतवर एम्पायर बनाना था। एक तरफ नेपोलियन लगातार जीत पर जीत हासिल कर रहा था, वही दूसरी तरफ उसके सपने बड़े होते जा रहे थे। उसे अब फ्रांस की गवर्नमेंट को कंट्रोल करना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब नेपोलियन एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करने लगा था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था इटली विक्ट्री। इटली जीतने के बाद नेपोलियन और इसकी आर्मी ने उसे लूट लिया था। अब नेपोलियन की नजर ब्रिटेन पर थी, जिसके लिए वो इजिप्ट में ब्रिटेन नेवल फोर्स पर अटैक करके वहां से ट्रेडिंग सिस्टम को इन्वेड करना चाहता था। लेकिन इसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि ब्रिटेन के नेवल फोर्स को हराना इतना आसान नहीं था। अगर नेपोलियन इजिप्ट में मौजूद नेवल फोर्सेस को हराने में कामयाब हो जाता तो वो अपने अगले प्लान के मुताबिक भारत में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान से हाथ मिलाता, जो उस वक्त पर अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन में से एक थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट में आकर कई जंग लड़ी, जिसमें बैटल ऑफ पिरामिड भी शामिल थी। इन सारी लड़ाइयों को जीतने के बाद नेपोलियन को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अब इजिप्ट में मौजूद ब्रिटिश नेवल को हराने से कोई नहीं रोक सकता। 1799 में अबुकीर के इन्वेजन के दौरान नेपोलियन ने जीत तो हासिल कर ली थी, पर उसकी काफी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि कई फ्रेंच सोल्जर्स प्लेग की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिस वजह से ये बैटल ऑफ नाइल हार गए। ये एक बड़ी वजह बनी जिससे नेपोलियन ना ही इजिप्ट पर कब्जा कर पाया और ना ही ब्रिटिशर्स के नेवल फोर्स को खदेड़ पाया, जिसके कारण उसे खाली हाथ पेरिस लौटना पड़ा। लेकिन फिर भी फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को अपना हीरो ही माना। नेपोलियन कई बार अपनी पेंटिंग्स बनवाता और खुद को फ्रांस का सबसे वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर स्टैब्लिश करने की कोशिश करता रहता। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद टेम्पररी गवर्नमेंट, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था, वो फ्रांस को चला रही थी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि डायरेक्टरी की कमजोर पॉलिसीज फ्रांस में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं स्टैब्लिश कर पा रही थी। उन दिनों नेपोलियन लगातार यूरोप के देशों को जीत रहा था और उसकी इमेज फ्रांस के लोगों में काफी अच्छी बनती जा रही थी। नेपोलियन को भी इस बात का एहसास था कि डायरेक्टरी कमजोर लोगों के हाथ में है और फ्रांस को आगे बढ़ने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। उसने इस पॉलिटिकल वैक्यूम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और फ्रांस के लोगों के सामने एक संविधान प्रस्तुत किया। दरअसल फ्रांस में रेवोल्यूशन तो हो गया था, लेकिन लोगों को अब ये पता नहीं था कि देश कैसे चलाया जाएगा। जब नेपोलियन ने लीड लिया और संविधान पेश किया तो फ्रांस के लैंडलॉर्ड्स और एलीट क्लास के लोग तुरंत ही नेपोलियन के फेवर में आ गए। नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि चर्च और रॉयल्टी से जमीनें और प्रॉपर्टीज छीन ली गई थी, जिन्हें लैंडलॉर्ड्स और पूंजीपतियों ने खरीदा था। अब ये लैंडलॉर्ड्स इस डर में जी रहे थे कि जब भी अब मोनार्क स्टैब्लिश होगा तो फिर से कहीं उनकी जमीनें उनसे ना छीन ली जाए। नेपोलियन ने इस डर को भांप लिया था, इसीलिए उसने अपने संविधान में लिखा
कि अगर फ्रांस की जनता नेपोलियन को एक एम्परर के तौर पर अपनाती है तो जमींदारों को उनकी जमीन और प्रॉपर्टी पर पूरा हक मिलेगा और वो अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने रहेंगे। ऐसा सुनते ही फ्रांस के सारे एलीट नेपोलियन की तरफ हो गए। इसके बाद पूरे फ्रांस की जनता नेपोलियन के हाथों में अपना भविष्य सुरक्षित महसूस करने लगी, क्योंकि नेपोलियन एक निडर और साहसी सोल्जर था जिसे वॉर्स में हराना पूरे यूरोप को भारी पड़ रहा था। इस वक्त पूरी आर्मी की कमान नेपोलियन के हाथों में थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए इसने डायरेक्टरी को डिसॉल्व कर दिया और 3 प्रोविजनल कंसुल को बनवाया, जिसमें इन्होंने खुद को फर्स्ट कंसुल डिक्लेयर कर दिया। ये कंसुलेट ही अब फ्रांस की सरकार थी और नेपोलियन इस सरकार के लीडर बन गए थे। और इस तरह 1799 में नेपोलियन पूरे फ्रांस का फर्स्ट कंसुल बन गया, या तो यूं कहे कि नेपोलियन अब फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। एक तरफ फ्रांस की गद्दी हाथ में आई थी और दूसरी तरफ नेपोलियन बाकी के यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्कर करके यूरोप का बादशाह बनना चाहता था, जो कि बाकी के यूरोपियन देशों के मोनार्क को मंजूर नहीं था। दरअसल जैसे ही फ्रांस में मोनार्की को खत्म किया गया, वैसे ही बाकी यूरोपियन देश फ्रांस को दुश्मन समझ बैठे। उन्हें डर था कि कहीं उनके देश की जनता भी ना उनके खिलाफ खड़ी हो जाए। ऐसे में सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को धमकाने की कोशिश की। उन दिनों ऑस्ट्रियन एम्पायर फ्रांस के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक समझा जाता था, लेकिन नेपोलियन इन कोड़ी धमकियों से कहां डरने वाला था। उसने तुरंत ही ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया। नेपोलियन के सत्ता में आते ही सभी देश फ्रांस को हराने में लगे रहे, मगर नेपोलियन की स्ट्रेटजीज के सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन साबित हुआ। इनकी लड़ाई दोबारा से ऑस्ट्रिया से 1805 में हुई। इससे नेपोलियन ने अपने 40,000 सैनिकों के साथ ऑस्ट्रिया पर अटैक कर दिया। इस युद्ध से ऑस्ट्रिया को काफी नुकसान पहुंचा और उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑस्ट्रिया फिर भी फ्रांस के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आया। ये देश बार बार दूसरे देशों के साथ अलायंस बनाकर फ्रांस पर अटैक करने की कोशिश में लगा रहा। फर्स्ट कंसुल की ताकत हाथ में आते ही नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सिचुएशन को बदलना शुरू कर दिया। इस वक्त तक नेपोलियन ने कई कंट्रीज को अपने अंडर कर लिया था, साथ ही साथ ब्रिटेन के साथ एक पीस ट्रीटी पर भी साइन किया। लेकिन नेपोलियन को ये बात अच्छे से पता थी कि ब्रिटेन आने वाले समय में हमला जरूर कर सकता है। 1803 से नेपोलियन ने यूरोप के बाकी देशों के खिलाफ कई जंगें लड़ी जो अलायंस बनाकर फ्रांस पर हमला कर रहे थे। ये सब देश नेपोलियन की नॉनस्टॉप विक्ट्रीज से परेशान थे। इन्हें लगता था कि अगर नेपोलियन को नहीं रोका तो जल्द ही ये वो पूरे यूरोप का डिक्टेटर बन जाएगा। लेकिन नेपोलियन को किसी बात का डर नहीं था। वो लगातार यूरोपियन अलायंस देशों को मुंह तोड़ जवाब देता रहा। नेपोलियन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया का गठबंधन, जिसका जवाब युद्ध में देना इसके लिए भारी पड़ रहा था। इसी दौरान 1805 में बैटल ऑफ ट्राफलगार हुई। नेपोलियन हमेशा से ही ब्रिटिश को हराना चाहता था, इसीलिए फ्रेंच और स्पैनिश आर्मी ने मिलकर ब्रिटिश नेवल आर्मी पर अटैक करने का प्लान बनाया। ब्रिटिश नेवल फोर्सेस उन दिनों विश्व की सबसे मजबूत और स्ट्रेटेजिक सेना मानी जाती थी, जिसे हराना किसी के बस में नहीं था। लेकिन नेपोलियन ने उन्हें अटलांटिक ओशन में स्पेन के पास केप ट्राफलगार में घेर लिया और यहां ब्रिटिश नेवल फोर्सेस और फ्रेंच कोअलिशन फोर्सेस के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन इसमें ब्रिटिश आर्मी की जीत हो जाती है। इस युद्ध को वॉर ऑफ द थर्ड कोअलिशन नाम दिया गया, जिसमें नेपोलियन को एक बार फिर से ब्रिटिश से नाकामयाबी मिली। नेपोलियन वॉर ऑफ द थर्ड कोअलिशन युद्ध में उलझा हुआ था और इसी बात का फायदा उठाते हुए 1805 में रशियन और ऑस्ट्रियन एम्पायर ने भी फ्रांस पर एक साथ हमला बोल दिया था। उनको लगा था कि नेपोलियन इस युद्ध में हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन ने सीधा जर्मनी का रुख किया और वहां से अपनी आर्मी को डिवाइड करते हुए ऑस्ट्रियन और रशियन आर्मीज का मुकाबला किया। इसी वक्त वर्ल्ड फेमस बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्ज हुई, जिसमें नेपोलियन ने रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने तुरंत ही फ्रांस के साथ ट्रीटी ऑफ प्रेसबर्ग साइन करके शांति समझौता कर लिया और वियना को नेपोलियन को सौंप दिया। उन दिनों ऑस्ट्रियन एम्पायर यूरोप के सबसे पावरफुल एम्पायर में गिना जाता था, और जैसे ही रशिया और ऑस्ट्रिया को नेपोलियन ने हराया, वैसे ही नेपोलियन पूरे यूरोप का सबसे बड़ा योद्धा और पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर स्टैब्लिश हो गया। 1810 आते आते नेपोलियन ने कई देशों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था,
लेकिन ब्रिटिश से नेपोलियन की रेवेलरी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 1810 आते आते नेपोलियन जोसेफीन की हरकतों से परेशान हो गया और जोसेफीन से डिवोर्स ले लिया। दरअसल जोसेफीन भले ही नेपोलियन की पत्नी रही हो, लेकिन जब भी नेपोलियन युद्ध के दौरान पेरिस से बाहर रहता, तब नेपोलियन की वाइफ फ्रेंच सोसाइटी के दूसरे मर्दों के साथ गलत संबंध रखती थी। नेपोलियन अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन बीतते वक्त के साथ नेपोलियन ने भी जोसेफीन का असली चेहरा देखा और 1810 में उससे तलाक ले लिया। जोसेफीन से तलाक लेने के बाद नेपोलियन उदास रहने लगा। उसे ना तो जोसेफीन से सच्चा प्यार मिला था और ना ही गद्दी का वारिस मिला था। इसीलिए उसने 1810 में ऑस्ट्रिया के एक शाही परिवार की लड़की मैरी लुईस से दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में तो नेपोलियन ने मैरी लुईस से शादी सिर्फ एक वारिस पाने के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे वो मैरी लुईस से बहुत प्यार करने लगा। 1811 में मैरी लुईस ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम नेपोलियन फ्रैंकोइस जोसेफ चार्ल्स बोनापार्टे था। मैरी से शादी करने के बावजूद नेपोलियन हमेशा ही जोसेफीन से संबंध रखता और उसके मरने तक एम्प्रेस ऑफ फ्रांस का टाइटल भी जोसेफीन का ही रहा। नेपोलियन को फ्रांस की इकोनॉमी को बूस्ट करना था और इंडियन ओशन में ब्रिटेन के वर्चस्व को खत्म करना था। अब तक फ्रांस के कब्जे में सिर्फ मॉरिशियस आइलैंड ही रह गया था, जिसे बेस बनाकर नेपोलियन हमेशा ही ब्रिटेन से युद्ध करता था। ऐसे में नेपोलियन ने एक बार फिर अपना ध्यान ब्रिटेन की तरफ किया। इस बार इन्होंने पहले ही यूरोप के कई सी पोर्ट्स को इन्वेड कर लिया ताकि इन स्टेट्स को इकोनॉमिकली कमजोर कर दिया जाए और ब्रिटेन को टारगेट करना आसान हो जाए। फ्रांस ने मॉरिशियस में अपनी हैवी आर्मी लगा दी ताकि ब्रिटेन का इंडियन और दूसरी कॉलोनी से कनेक्शन काट दिया जाए और बीच समुद्र में ब्रिटेन को हराया जा सके। इससे न केवल ब्रिटेन आर्थिक तौर पर कमजोर होता, बल्कि इंडियन ओशन पर इकलौता कब्जा हो जाने से फ्रांस को कई बेनिफिट्स मिल सकते थे। अब मॉरिशियस पोर्ट को अपना बेस बनाकर फ्रांस ने ब्रिटिश शिप्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध का नाम बैटल ऑफ ग्रैंड पोर्ट था, जिसमें पहले तो फ्रांस जीत जाता है, लेकिन जल्दी ही ब्रिटेन की नेवल शिप्स आकर फ्रांस को इस युद्ध में घेर लेती है और फ्रांस की हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद फ्रांस का इकलौता पोर्ट जो इंडियन ओशन में था, उसे भी ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेता है। लगातार हुई इन हारों से नेपोलियन और उनकी सेना आहत हो जाती है। नेपोलियन को ये लग जाता है कि ब्रिटिश नेवल आर्मी को हराना मुश्किल है। तब वो अपना ध्यान दोबारा से रशियन एम्पायर पर करता है। नेपोलियन को लगा कि अगर रशिया को जीत लिया जाएगा तो फ्रांस की इकोनॉमी बूस्ट होगी और आर्मी को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इधर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हो रहे लगातार युद्ध को देखते हुए रशिया अपने आप को यूरोप से अलग कर लेता है। उसे लगता है कि इस तरफ फ्रांस रशिया पर हमला नहीं करेगा और रशियन एम्पायर को अलायंस से भी मुक्ति मिल जाएगी। नेपोलियन 1812 में अपने 5,00,000 सैनिकों को लेकर रशिया पर अटैक कर देता है। चूंकि रशिया ने अपने आप को यूरोप से अलग करके सारे अलायंसेस को तोड़ लिया था, तो ऐसे में नेपोलियन अज्यूम करता है कि उसकी जीत होकर रहेगी, क्योंकि एक तरफ उसके पास 5,00,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी तरफ रशियन एम्पायर अकेले इतना मजबूत नहीं था कि फ्रांस से लड़ सके। लेकिन रशिया ने दूसरा ही आइडिया लगा रखा था। इनकी आर्मी नेपोलियन से वॉर करने की बजाय रशिया के इंटीरियर इलाकों में जा छुपी। ऐसे में नेपोलियन की आर्मी बेधड़क रशिया के शहरों को कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। नेपोलियन ने रशिया में बर्फ गिरने के दौरान भी इन्वेजन जारी रखा और मॉस्को जीत कर ही दम लिया। लेकिन मॉस्को जीतना नेपोलियन की आर्मी पर भारी पड़ गया। जैसे ही नेपोलियन आर्मी मॉस्को पर जीत हासिल करके निकली, वैसे ही रशियन आर्मी ने रिटेलिएट कर दिया। नेपोलियन के आधे से ज्यादा सैनिक भारी बर्फ और सर्दी के मारे मर चुके थे और जो बचे थे वो बेहद कमजोर, थके हुए और जीत के गुमान में चल रहे थे। ऐसे में नेपोलियन की आर्मी जब वापस लौटने लगी तो रशियन आर्मी इन पर भारी पड़ी। वहां की भयानक ठंड में फ्रेंच आर्मी का सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो गया और 5,00,000 में से सिर्फ 1,00,000 सोल्जर्स ही वापस लौट कर फ्रांस आ पाए। इस लड़ाई के बाद ना तो केवल नेपोलियन की हार हुई, बल्कि उसके असली एसेट्स जो उसके सैनिक थे वो भी मारे गए। दूसरी तरफ रशियन आर्मी ने जब फ्रांस को हरा दिया, तब अचानक रातों रात वो पूरे यूरोप में फेमस हो गए।
क्योंकि ब्रिटिश नेवल आर्मी के सिवा नेपोलियन दूसरे किसी भी देश से नहीं हारा था। ऐसे में रशियन आर्मी एक मजबूत सेना बनकर उभरी। इस जीत के बाद रशिया को अब नेपोलियन से डर भी नहीं रहा, उल्टा रशिया फिर से अलायंसेस बनाने लगा जिससे कि फ्रांस को हराया जा सके। रशिया इन्वेजन में हुई हार ने नेपोलियन को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगा। नेपोलियन की कमजोरी अब पूरे यूरोप को पता चल रही थी। ऐसे में ऑस्ट्रिया, जो कि फ्रांस का सबसे पुराना दुश्मन था, वो कैसे पीछे रहता। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही बाकी के देशों के साथ मिलकर फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया। 1813 में जर्मन स्टेट्स ने रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और स्वीडन के साथ मिलकर फ्रांस पर हमला कर दिया। इस वॉर को बैटल ऑफ लाइपजिग और जर्मन कैंपेन ऑफ 1813 का नाम दिया गया। अभी अभी फ्रांस रशियन इन्वेजन में हार से आहत था। ऊपर से लाखों सैनिक के रशियन इन्वेजन में मारे जाने के कारण फ्रांस में कम सैनिक बचे थे। दूसरी तरफ जर्मनी ने जब कई बड़े एम्पायर्स को मिलाकर नेपोलियन पर अटैक किया तो नेपोलियन इस युद्ध में बुरी तरह हार गया। ये युद्ध ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ मई 1814 में खत्म हुआ और इसके बाद फ्रांस पर कोएलिशन फोर्स ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद अलायंस कंट्रीज ने नेपोलियन बोनापार्टे को फ्रांस से एग्जाइल दे दिया गया। इसके बाद एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस में दोबारा से मोनार्क स्टैब्लिश करने के लिए लुईस 18 को फ्रांस का राजा बना दिया। नेपोलियन को एग्जाइल के तौर पर इटालियन कोस्ट पर मौजूद आइलैंड ऑफ एल्बा भेज दिया गया और इनकी लेकिन एक साल के अंदर ही 26 फरवरी 1815 में नेपोलियन एल्बा से भागकर फ्रांस पहुंच गए, जहां इनके काफी सपोर्टर्स मौजूद थे। फिर से राजशाही आते ही फ्रांस की आम जनता और एलीट क्लास के लोग दुखी हो गए थे। लोग ऐसा नहीं चाहते थे, उन्हें वापस से नेपोलियन ही चाहिए था। ऐसे में नेपोलियन के आते ही फ्रांस के नए किंग लुईस 18 को वहां से जाना पड़ा और फिर नेपोलियन ने फ्रांस की ताकत को वापस से बढ़ाने के लिए 100 डेज कैंपेन शुरू किया। नेपोलियन के वापस आते ही यूरोप के बाकी देशों की हालत खराब होती चली गई। ऐसे में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ने एक कोएलिशन फोर्स बनाई। इधर नेपोलियन ने भी अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी, जिसका मकसद एलाइड फोर्सेस को खत्म करके पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमाना था। लेकिन नेपोलियन के लिए एक बार फिर से सब कुछ पा लेना इतना आसान नहीं था। नेपोलियन ने 1815 के जून में बेल्जियम पर हमला किया, जहां ब्रिटिश और प्रूशियन ट्रूप्स को नेपोलियन ने हरा दिया। इस जीत के बाद नेपोलियन ने आगे बढ़ते हुए प्रूशियंस को बैटल ऑफ लिग्नी में भी हराया। यहां नेपोलियन को भरोसा हो गया कि वो वापस पूरे यूरोप को जीत सकता है, लेकिन उसके इन सभी ख्वाबों पर तब पानी फिर गया जब 18 जून को बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ा। ये हार नेपोलियन को बर्दाश्त नहीं हुई। ये इनकी जिंदगी की आखिरी वॉर साबित हुई, जिसके बाद सजा के तौर पर नेपोलियन को अटलांटिक ओशन में मौजूद सेंट हेलीना आइलैंड पर भेज दिया गया, जहां 5 मई 1821 को उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। नेपोलियन बोनापार्टे दुनिया से तो चला गया, लेकिन फ्रांस की जनता के दिल से ये योद्धा कभी नहीं गया। उनके लिए नेपोलियन हमेशा के लिए एक लेजेंड बन गया, जो पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता था। नेपोलियन बोनापार्टे की जिंदगी आज भी कई लोगों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है नेपोलियन का नाम दुनिया के सबसे महान एम्परर्स में गिना जाता है।